नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे पितर ऋण या ऋण पितरी कैसे बनता है, इसके बनने के पीछे क्या कारण होते हैं दोस्तों, और दोस्तों इसकी आम निशानियां क्या हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि इसका उपाय क्या होता है, लाल किताब में इसका क्या उपाय बताया गया है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, पितर ऋण या ऋण पितरी कैसे बनता है, इसके बनने के पीछे क्या कारण होते हैं, इसकी आम निशानियां क्या होती हैं, इसका असर क्या होता है और दोस्तों इसका उपाय क्या बताया गया है। दोस्तों लाल किताब में कई प्रकार के ऋणों के बारे में बताया गया है और जो ऋण बताए गए हैं उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध है। तो दोस्तों पितर ऋण इसके बारे में बात कर रहे हैं आज। तो जब बृहस्पति के घरों में, अब बृहस्पति के घर है दोस्तों खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 12। तो जब बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह, अब बृहस्पति के दुश्मन ग्रह कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो है बुध, राहु या शुक्र। तो जब बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बुध, राहु या शुक्र बैठे हों, और दोस्तों ये कंडीशन जन्म कुंडली में देखनी है, इसका वर्ष कुंडली से कोई संबंध नहीं है, इसको वर्ष कुंडली में नहीं देखते। तो जन्म कुंडली में ये पोजीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि बृहस्पति के घरों में खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बुध, राहु या शुक्र हो और बृहस्पति भी मंदा हो रहा हो, तो ये पितर ऋण कहलाता है, ये पितर ऋण बनता है। दोस्तों इस ऋण के बनने की क्या वजह है, क्या कारण है, तो इसके बनने की वजह है दोस्तों बुजुर्गों का पाप, बुजुर्गों ने जो पाप किए हैं, पूर्वजों ने जो पाप किए हैं, जातक के पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने जो पाप किए हैं, बिना वजह के कुल पुरोहित को बदला गया होगा। अब दोस्तों निशानी की बात करते हैं, तो इसकी आम निशानी क्या बताई गई है लाल किताब में, तो इसकी आम निशानी बताई गई है दोस्तों पीपल कटवाना, मंदिर धर्मस्थान वगैरह बर्बाद कर चुके या करते होंगे, बृहस्पति से संबंधित चीज़ों को बर्बाद कर ही चुके या करते होंगे। अब दोस्तों इसका क्या असर होता है, इसका असर दोस्तों पितर ऋण के बारे में एक ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको पितर ऋण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इस ऋण का क्या असर होता है, दोस्तों बृहस्पति मान इज्जत का प्रतीक होता है, इसलिए जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, अब यहाँ दोस्तों इंसान से मतलब मर्द या औरत दोनों से है, तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है बालों में सफ़ेदी दिखाई देने लगती है, मतलब बाल सफ़ेद होने लगते हैं, और इस उम्र के दौरान इंसान की इज्जत बढ़ने की जगह बदनामी शुरू हो जाए, चाहे कारण कोई भी हो, कोई भी वजह हो, तो इज्जत बढ़ने की जगह बदनामी शुरू हो जाए, तो वक्त ऐसा होगा कि घर का सोना पहले पीतल और आखिर में जंग लगा हुआ लोहा हो जाए, मतलब दोस्तों
इज्जत का हर तरह से घटना, बल्कि इज्जत की जगह बेवजह की बेइज्जती होने लगे। जो काम खुद बाखुद हो जाया करते थे, इस टाइम में, इस समय में लाख कोशिशों के बाद भी वो काम ना हो। और दोस्तों, सुख के सांस की जगह, सुख के सांस की जगह दुख की काली खांसी जैसे हालात हो जाए। दोस्तों, दुनियावी सुखों में कमी और मुसीबतों में बढ़ोतरी हो जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं पितर ऋण के उपाय के बारे में कि इसका क्या उपाय लाल किताब में बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो उपाय पंडित जी ने बताया है कि कुल खानदान के हर एक मेंबर से, कुल खानदान के हर एक मेंबर से जहां तक कि खून का असर हो, हर एक से एक एक पैसा वसूल करके धर्म मंदिर में एक ही दिन देना, या उनके खानदानी घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर अटक जाए, दरवाजे पर रुक जाए, मुंह बाहर, बाहर को और पीठ मकान के अंदर को हो। अब दोस्तों, अब जिधर नज़र जा रही है या जिधर बाया हाथ है, लेफ्ट हैंड है, इन दोनों तरफों में 16 कदम के अंदर बृहस्पत की चीज, बृहस्पत से संबंधित चीज़ें क्या है दोस्तों, धर्म मंदिर या पीपल का पेड़ मौजूद होगा, उसकी पालना करें, उसकी देखरेख करें, उसकी रखवाली करें, उसकी पालना करें। तो दोस्तों, ये उपाय पितर ऋण का लाल किताब में बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।